हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। जी हाँ, अगर आप हरियाणा के किसी भी जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर क्या करें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो कॉमनवेल्थ गेम में वही पदक विजेता पहलवान पूजा के पति की मौत, ठीक 9 महीने पहले किया था प्रेम विवाह, मातम में बदली खुशी। तो कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली पहलवान पूजा व CIF के ASI पहलवान अजय ने 9 महीने पहले विवाह किया था। इसमें परिवार की भी सहमति थी, शनिवार को ही शादी के 9 महीने पूरे हुए थे। इस बारे में पूजा ने सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो अपलोड करके खुशी जाहिर की थी। किसी को नहीं पता था कि शाम को यही खुशियाँ मातम में बदल जाएंगी। पति की मौत की खबर सुनकर अस्पताल पहुँची पूजा बेसुध हो गई, तो परिजन उसे घर ले गए। इस दौरान पिता भी बेटे की मौत की खबर सुनकर के सिहर उठे। सोनाली फोगाट का नया वीडियो वायरल, सोनाली को जबरदस्ती पिलाया नशीला पदार्थ क्लब से 1.5 ग्राम सिंथेटिक ड्रग बरामद। भाजपा नेता व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत मामले में गोवा पुलिस ने करलीज क्लब की मालिक और ड्रग पेडलर को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा पुलिस ने करलीज क्लब के शौचालय से 1.5 ग्राम सिंथेटिक ड्रग बरामद किया है। इस मामले में सुधीर सांगवान, सुखेंद्र और एडविन नूंस, दत्ता प्रसाद गामकर पर NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। इस बीच क्लब में सोनाली को जबरदस्ती मादक पदार्थ पिलाने का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। सोनाली फोगाट मामले में मां को मुखाग्नि देने के 33 घंटे बाद 15 साल की यशोधरा पहुंची CM के द्वार, CBI जांच की मांग। मां सोनाली फोगाट को मुखाग्नि देने के 33 घंटे के बाद न्याय की गुहार लेकर 15 साल की यशोधरा शनिवार को चंडीगढ़ में CM मनोहर लाल से मिली। यशोधरा ने मां की मौत का सच सामने लाने और दोषियों का पता लगाने के लिए CBI जांच की मांग रखी है। इस पर CM ने कहा कि गोवा की सरकार से CBI जांच का अनुरोध करेंगे। रिश्तों का कत्ल, सिरसा में बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या, जमीन नाम कराने को लेकर रहता था झगड़ा। हरियाणा के सिरसा के गांव लकड़ावाली में जमीन के विवाद में बेटे ने पिता बाबू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी है। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बंदूक सहित मौके से फरार हो गया। इस घटना में पुलिस ने आरोपी हरदीप सहित 3 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं वारदात के बाद आरोपी पक्ष के सभी लोग घर पर ताला लगाकर फरार हो गए हैं। हरियाणा के पानीपत में जन्मदिन मना सोई राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी को बेड पर सांप ने काटा, हुई मौत। राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी अपने 18वें जन्मदिन के अगले दिन का सूरज नहीं देख सकी। वह शुक्रवार को अपना जन्मदिन मनाकर रात 1 बजे अपने छोटे भाइयों के साथ सोई थी। सुबह 4 बजे कॉमन करैत नस्ल के सांप ने बेड पर चढ़कर उसकी बाजू पर काट लिया। खिलाड़ी ने हिम्मत दिखाते हुए सांप को पकड़कर नीचे फेंका और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने सांप को ढूंढकर मार दिया लेकिन खिलाड़ी को नहीं बचा पाए। सुबह 10 बजे उसने दम तोड़ दिया। मतलौदा थाने की पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया। PhD शुरू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में PhD शुरू ऑनलाइन आवेदन 16 सितंबर तक। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए उपलब्ध PhD कार्यक्रमों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में विभिन्न विभागों में उपलब्ध PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदक आगामी 16 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मरीजों में जगी बेहतर इलाज की उम्मीद, पीडियाट्रिक आर्थो स्पेशलिस्ट समेत 30 नए डॉक्टरों ने ज्वाइन की ड्यूटी, 10 ने नहीं दिखाई कोई दिलचस्पी। तो सिरसा जिले के सरकारी अस्पतालों को 16 दिन पहले 40 MO अर्थात मेडिकल ऑफिसर मिले, जिनको 26 अगस्त तक ज्वाइन करना था, लेकिन इस दौरान मात्र 30 नए डॉक्टर आए, जिसमें से एक पीडियाट्रिक व आर्थो स्पेशलिस्ट शामिल है। 10 डॉक्टरों ने सरकारी नौकरी से मुंह मोड़ लिया। हालांकि 3 MO ने पोर्टल पर आवेदन करके सेवा देने का भरोसा दिलाया। वहीं 9 नए डॉक्टरों ने GS सिरसा व 7 ने डबवाली में ज्वाइन किया है। जान लेते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। तो हरियाणा में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिली है। तो जी हाँ, बता दें कि प्रदेश में कई दिनों से बारिश का दौर थम गया है। मानसून टर्फ की अक्षय रेखा अब भी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर हिमालय की तलहटियों की तरफ होने से हरियाणा में बारिश की गतिविधियों में कमी ही रहने की संभावना है। वहीं बारिश की गतिविधियों में कमी होने के साथ ही अब तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगी है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम विभाग के अध्यक्ष ने बताया कि 31 अगस्त तक आमतौर पर परिवर्तनशील मौसम देखने को मिलेगा और बीच बीच में बादलवाही और हवाएं चलने की भी संभावना है।
तो 29 और रात्रि 30 अगस्त को राज्य के उत्तरी जिलों पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश तथा दक्षिण पश्चिम जिलों में कहीं कहीं झटपट बूंदाबांदी गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान सामान्य के आसपास ही बने रहने की संभावना है। पशुधन की संख्या में 1.23% की दर से हो रही है वृद्धि। चारे की किल्लत को दूर करने को अभी से जरूरी कदम उठाने होंगे। पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए गुणवत्ताशील चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। एक अनुमान के अनुसार वर्तमान समय में देश में करीब 11% हरे चारे और करीब 23% सूखे चारे के साथ साथ लगभग 29% दाने की कमी है। पशुधन की जनसंख्या में 1.23% की दर से हो रही वृद्धि के चलते मांग और आपूर्ति के बीच ये अंतर आने वाले समय में और बढ़ सकता है, जिसके लिए ज़रूरी कदम उठाना बहुत आवश्यक है। तो जी हाँ, ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। धन्यवाद। जय हिंद।